की बच्ची ने टीकाकरण के बाद दम तोड़ा। परिजनों का आरोप, डॉक्टरों की लापरवाही से हुई मौत। महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के भुरकोनी जगदल्ला का मामला, आखिर जिम्मेदार कौन? जिले के पिथौरा विकासखंड से एक बड़ी और दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भुरकोनी जगदल्ला की 3 माह की बच्ची इसिका चक्रधारी की टीकाकरण के बाद मृत्यु हो गई है। बताते हैं, यह पूरा मामला भुरकोनी के आंगनबाड़ी केंद्र का है, जहां निमोनिया व अन्य टीका लगाने के बाद बच्ची बेहोश हो गई, जिसके बाद घबराए परिजनों के द्वारा बच्ची को उप स्वास्थ्य केंद्र भुरकोनी लाया गया। उसे पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। पिथौरा पहुँचते ही बच्ची की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी उक्त मामले में जांच के बाद कार्यवाही की बात कहते नजर आए। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते बच्ची की मृत्यु हुई है। आइए इस विषय में बात करते हैं बच्ची के परिजनों से, फिर बात करेंगे बीएमओ पिथौरा से। अगेश चक्रधारी, मैं जगदल्ला का रहने वाला हूँ। कल टीकाकरण हुआ भुरकोनी में, तो मितानिन के सूचना दिए के मुताबिक हम लोग गए थे आंगनबाड़ी केंद्र भुरकोनी का। वहाँ टीकाकरण हुआ, तो टीकाकरण लगवाने के बाद, टीकाकरण 10:30 बजे करीब हुआ टीकाकरण। टीकाकरण के बाद 5 मिनट वहाँ रुके, उसके बाद धूप होगा बोल के हम लोग बच्ची को घर वापस ले आए। लाने के बाद जस्ट हम लोग सीधा घर घुसते ही बच्ची डायरेक्ट बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद हम लोग मितानिन को कॉल किए कि कौन से डॉक्टर टीका लगाए हैं, तो डॉक्टर से हमको बात कराओ। तो मितानिन ने बात कराया कि डॉक्टर से बात करें कि कौन कौन से टीका लगाए हो डॉक्टर बोल के। तो हम लोग उनसे बात किया, फिर वो बोले कि तुरंत हॉस्पिटल ले आओ। फिर हॉस्पिटल हम लोग भुरकोनी हॉस्पिटल लेकर गए अपनी बच्ची को, तो वो लोग फिर बोले वहाँ लेकर गए, फिर पर्ची वर्ची कटवाएं, फिर डॉक्टर चेकअप करके कुछ नहीं बताया, हमको गुमराह करके रख दिए। उनकी लापरवाही की वजह से हम लोग को तुरंत वहाँ पिथौरा हॉस्पिटल रिफ़र करवा दिए। फिर रिफ़र करवाने के बाद फिर वहाँ भी कुछ चेकअप वेकअप कुछ नहीं किए, और वहाँ गुमराह करके रख दिए थे। और तुरंत उसके बाद फिर इसको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, क्या है कैसा है बोल के। आपकी बच्ची का नाम क्या? इसिका चक्रधारी। डॉक्टर जो टीका लगाया उनका नाम क्या? यशवंत चतुर्वेदी। यशवंत चतुर्वेदी है डॉक्टर जी। सर, डॉक्टर यशवंत चतुर्वेदी की लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची की टीकाकरण के कारण मौत हो गई। मैम, ये भुरकोनी उप स्वास्थ्य केंद्र के तहत है, जगदल्ला गांव के बच्ची को लेकर टीकाकरण हुआ था मंगलवार को, उसमें बच्ची की डेथ हो गई, क्या पूरा मामला विस्तार से बताएंगे इसमें? मंगलवार को टीकाकरण हुआ था इसका चक्रधारी पर जगदल्ला के आंगनबाड़ी केंद्र में। चतुर्वेदी जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उन्होंने टीकाकरण किया था। 5 प्रकार का टीका लगाया गया था। बच्ची जब घर गई उसके बाद फिर शायद वो बेहोश हो गई, जानकारी मुझे मिली थी वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर से, और उसको हॉस्पिटल लाया गया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो मैंने उनको कहा कि आप तुरंत यहाँ पर सीएससी ले आए, और सीएससी आते तक बच्ची डेथ हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि इसको पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। DIO डॉक्टर अजय गुप्ता से ही बात हुई थी इस संबंध में, वो भी मौके पर आ गए थे सीएससी में। उन्होंने पूरा बयान दिया माता पिता से, और उसको पोस्टमार्टम किया गया। मैं वहाँ पर पीड़ित परिवार का कहना है कि वैक्सीन लगने के कारण ही, लापरवाही के कारण ही उनका मौत हुआ है, ऐसा उनका आरोप है। और डॉक्टर ने किसी प्रकार की कोई हिदायत नहीं दी थी कि उनको दूध पिलाना है, किस प्रकार की दवाई पिलाना है कुछ भी। और उनके द्वारा जो है लगातार बताया गया था डॉक्टर की बच्ची जो है थोड़ा वीक है, और जाँच के बाद ही उसको जो है वैक्सीन लगाया जाए, टीकाकरण किया जाए, ऐसा उनका कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से जाँच होगी, और जो जिले में कमेटी बनी हुई है इस संबंध में, वो निष्कर्ष निकालेगी, और जिसके जो भी होंगे इसके लिए जिम्मेदार, उसके अगर आवश्यकता नहीं होगी तो। ठीक।